चैनल और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक फेशियल जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है और मैं VLCC के फेशियल कुछ ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ VLCC का एक और फेशियल जो कि है VLCC स्किन वाइटनिंग फेशियल किट। तो ये है VLCC का स्किन वाइटनिंग फेशियल और इसमें आपको टोटल 5 स्टेप मिलेंगे। जो इसकी पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह की रहेगी, आपको ये छोटी पैकेजिंग में मिलेगा। यहाँ पे आपको सारे स्टेप दिखेंगे जो जो आपको करने हैं, MRP और जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। सो गाइज, इसमें आपको टोटल 5 स्टेप मिलते हैं। जो VLCC का फेशियल है इसकी MRP है 99 रुपीज और इसे आप 2 लोग यूज कर सकते हैं या आप इसे 2 बारी में यूज कर सकते हैं। तो 99 में आप मान के चलिए आपको 50 रुपीज का एक फेशियल पड़ेगा और इसमें 4 से 5 वेराइटी आती है और मैं आज ट्राई करने वाली हूँ ये स्किन वाइटनिंग फेशियल। सो हमें कुछ इस तरह के सेशन मिलेंगे 5 और सबसे अच्छी बात ये है कि इनमें नंबरिंग लिखी हुई है कि फर्स्ट नंबर पे आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, तो किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है वो क्रिएट नहीं होगी। सो हम लोग चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। सो इस सेशन को मैंने काट लिया है, मैंने सारे सेशन को पहले ही काट लिया है क्योंकि जब मैं फेशियल करूँ तो मुझे किसी भी तरह की कोई इंटरप्शन ना हो। तो ये है फर्स्ट स्टेप, ये है क्लिंजर कम टोनर और इसमें लिखा भी हुआ है कि आपको किस तरह से इसे करना है, तो यहाँ पे ही मेंशन है और आप देख सकते हैं 1 लिखा हुआ है, मतलब कि ये फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, आप इसे चाहे तो डायरेक्टली वेट कॉटन पे लीजिए और इसे फेस को क्लींस कर लीजिए। तो ये क्लींजर है, आपकी स्किन क्लींस करेगा और साथ में आपकी स्किन को टोन अप भी करेगा क्योंकि इसमें टोनर भी है। तो इसमें डबल स्टेप आपको मिल रहे हैं क्लींजिंग और टोनिंग के। सो आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज्यादा फ्लोई भी नहीं है, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसे लूंगी अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं क्लींजिंग करती हूँ तो उस टाइम पे मैं कॉटन यूज नहीं करती कि कॉटन लगा के उसके बाद मैं उसे क्लीन अप कर रही हूँ, उससे मतलब कॉटन लगा के उसे क्लीन कर रही हूँ। मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए मसाज करती हूँ ताकि जो भी डर्ट है वो स्किन के बाहर आ जाए और उसके बाद मैं इसे वाइप से या कॉटन से, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है उससे आप इसे वाइप आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से इससे क्लींजिंग कर लेती हूँ। जब भी आप फेशियल कर रहे हैं तो अपने नेक को मत भूलिए, नेक की जो मसाज है वो आप अपवर्ड मोशन में करिए, आपको नीचे नहीं, अपवर्ड मोशन में नेक की जो मसाज है वो करनी है। सो इससे मैं अच्छे से क्लींजिंग कर लूंगी कम से कम 5 मिनट के लिए। और मैं एक टिश्यू वाइप लूंगी और उससे मैं इसे क्लीन कर लूंगी और जितनी भी डर्ट जो रहेगी वो हमारी स्किन की इस पे आ जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने फेस वॉश किया था, उसके बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ कि स्किन में कितनी डर्ट रहती है कि आपको क्लींजिंग करनी वैसे भी नॉर्मली भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप फेशियल नहीं भी कर रहे हैं तो एक क्लींजर हमेशा अपने पास रखिए जिससे आप क्लींजिंग कर पाए। मैं सो आप देख सकते हैं ऐसे क्लींजर ने कितने अच्छे से काम किया है। तो इसका जो क्लींजर है आपने देख लिया है कितने अच्छे से काम करता है, इसने सारी डर्ट मेरी स्किन की और नेक की बाहर निकाल दी है। सो ये है हमारा सेकेंड स्टेप और इसमें लिखा हुआ है स्किन वाइटनिंग फेशियल स्क्रब और साथ में इसमें लिखा है विथ सिल्वर एंड ग्लिसरिन। स्टेप 2 में क्या करना है, आपको मसाज करनी है जेंटली ऑन वेट फेस फॉर 3 to 4 मिनट एंड वॉश ऑफ। सो सेकेंड स्टेप है वो है स्क्रबिंग, स्किन वाइटनिंग स्क्रबिंग लिखा है इसमें और अब मैं इसको निकालूंगी हैंड पे। इसमें सिल्वर है और ग्लिसरिन है। सिल्वर आपकी स्किन को किसी भी तरह का टैन है उसे रिमूव करता है, आपकी स्किन का जो टेक्सचर है, जो अगर आपकी स्किन पे ब्लेमिशेस हैं या आपको किसी भी तरह का पिगमेंटेशन है उसे क्लियर आउट करता है और ग्लिसरिन भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो ये है इसका टेक्सचर, ये इसमें सिल्वर के पार्टिकल्स हैं जिससे स्क्रबिंग करनी है आपको और साथ में इसमें ग्लिसरिन है। सो अब मैं इसे स्क्रबिंग करना शुरू करूंगी। अगर आपकी स्किन विंटर में ड्राई हो रही है और आप स्क्रबर को अवॉइड कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जहां जहां आपको डेड स्किन की प्रॉब्लम है आप स्क्रबिंग वहीं कर सकते हैं, जैसे नोज एरिया, चिन एरिया, फोरहेड एरिया और यहाँ का एरिया, जहां जहां आपको ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है आप वहीं पर स्क्रबिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरे फेस पे स्क्रबिंग करें क्योंकि क्या होता है जब आप स्क्रबिंग करते हैं तो आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, इसलिए आप स्क्रबिंग सिर्फ वहां कर सकते हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम है व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की। तो मैं इसे अच्छे से मसाज करूंगी। सो काफी ज्यादा स्मूथ टेक्सचर है
और बहुत ज्यादा हार्श भी नहीं है स्किन पे, और स्क्रबिंग भी कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हार्श नहीं है कि आपको लगे कि आपकी स्किन कहीं से भी डैमेज होगी इससे। बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं जो फील हो रहा है कि आपको, आपकी स्क्रबिंग भी हो रही है और बहुत ही जेंटली हो रही है। गाइस जो स्क्रबिंग है वो मैंने कर ली है और अब मैं इसे जल्दी से वॉश करके आती हूँ। जो स्क्रबिंग है वो भी हो गई है। सो ये है थर्ड स्टेप और ये है स्किन वाइटनिंग फेशियल मसाज जेल और इसमें है एलोवेरा जेल एंड पर्ल ऑक्साइड। तो बेसिकली आपको इस स्टेप में क्या करना है, आपको अपने फेस को वेट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ये जो जेल है उसे लेना है, अपनी स्किन पे मसाज करनी है इससे, तब तक जब तक कि आपकी स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो ये ट्रांसपेरेंट कलर का आप देख सकते हैं, सो आप देख सकते हैं ये एक जेल जैसा ही लग रहा है और इसकी कंसिस्टेंसी है वो थिक है, मतलब एक प्रॉपर जेल की तरह। सो अब मैं इसे अपनी स्किन पे लगाऊंगी और अच्छे से मसाज करूंगी। आपको ये देखना है कि कभी आपकी स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अपवर्ड मोशन में आप मसाज करिए। ये जो स्टेप है वो बहुत ही एसेंशियल है, ये आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद आपको फोर्थ स्टेप करना है। तो जो मसाज जेल है वो अच्छे से मेरी स्किन पे एब्जॉर्ब हो गया है, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। सो ये है फोर्थ स्टेप स्किन वाइटनिंग फेशियल क्रीम, जिसे मैं मसाज क्रीम बोल रही हूँ, विद बीट जर्म। सो आपको इसे 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करनी है और फिर इसे एक कॉटन की मदद से या टिश्यू से इसे वाइप आउट कर देना है। तो आप लीजिए इसे स्किन पे लगाइए, फिर हल्का सा वाटर लीजिए और उसके बाद मसाज करिए और इसे भी कोशिश करिए कि आपकी स्किन में ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। सो अब मैं इसे पूरी स्किन पे लगा लूंगी। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, जैसे कि एक मसाज क्रीम की होनी चाहिए। और नेक पे भी लगा लूंगी। अब मैं हल्का सा वाटर लगाऊंगी और उसके बाद मैं इससे मसाज शुरू करूंगी। अच्छे से मसाज करी है और मैं इसे एक फेशियल वाइप से क्लीन कर दूंगी। आप लोग देख सकते हैं जो मेरी स्किन का टेक्सचर है और जो स्किन है वो काफी ज्यादा लाइट और क्लीन लग रही है। हम लोग चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि हर फेशियल में होता है, फेशियल मास्क। तो ये है हमारा फोर्थ स्टेप और ये है फेशियल पैक। और इसमें क्या है, इसमें है टर्मरिक और ग्रेप सीड। तो स्किन के कलर को एनहेंस करने के लिए जो टर्मरिक रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। तो जब भी आप देखते होंगे, जब हल्दी होती है, जब शादी होती है, तो उपटन लगाया जाता है और उसका एक मेन इंग्रेडिएंट होती है हल्दी, क्योंकि हल्दी जो रहती है वो हमारे चेहरे को निखारती है। तो इसका भी जो इंग्रेडिएंट है वो है टर्मरिक, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। तो गाइस जो मेरा फेस पैक है वो सूख गया है, मैं जल्दी से वॉश करके आती हूँ और आपको फिर फाइनली बताती हूँ कि मुझे ये फेशियल कैसा लगा। सो गाइस मैंने फेस वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं मेरी जो स्किन है काफ़ी क्लियर और काफ़ी जिसका टेक्सचर है काफ़ी अच्छा हो गया है। और क्लियरली एक डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं फर्स्ट यूज में, जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे। सो गाइस ये थी पूरी वीडियो VLCC स्किन वाइटनिंग फेशियल किट की, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय।